तो ये देखिए दोस्तों, आज का मौसम तेज धूप खिली हुई है और साथ में ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और उस तरफ तो ना हल्की हल्की से धुंध भी छाई हुई है। ओहो बाबूजी प्रणाम। और प्रणाम प्रणाम। और देवर जी ना आजकल राफ्टिंग में लगे हुए हैं ऋषिकेश, इनसे राफ्टिंग के बारे में पूछेंगे कैसा कैसा चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है राफ्टिंग इस बार है? जाना राफ्टिंग करने। आदमी के पापा आदमी को भी बाहर लिया है मौसम दिखाने के लिए। अडो ये लड़का ना कसम से सोता नहीं है, है? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे और फिट होंगे एंड फाइन होंगे। तो हम लोग भी एकदम बढ़िया से हैं। अभी दोस्तों टाइम हो रहा है लगभग सुबह के, बज रहे हैं 11। सुबह तो नहीं कहेंगे, खैर दिन होने वाली है। और तो अभी घर के सारे काम तो निपट चुके हैं और मेरी तैयारी हो रही है आंगनबाड़ी की तरफ जाने की। तो मैंने साथ में ना ये थैला ले लिया है और क्योंकि वहाँ पे राशन वगैरह मिलेगी, तो लास्ट टाइम भी मैं लेकर आई थी। तो हर महीने की ना 5 तारीख को आंगनबाड़ी में राशन आ जाती है, तो वही लेने में जा रही हूँ। तो चलते हैं। और आज के मौसम की बात की जाए तो देखिए मौसम पहाड़ों पर, तो ये देखिए दोस्तों आज का मौसम तेज़ धूप खिली हुई है और साथ में ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और उस तरफ तो ना हल्की हल्की से धुंध भी छाई हुई है। तो मौसम तो काफ़ी अच्छा हो रहा है, तेज़ धूप लगी हुई है और गर्मी भी काफ़ी लग रही है। और अच्छा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बारिश भी हो रही है तो ठंडा लगता है और जब धूप होती है तो गर्मी लगती है। तो फिर पहाड़ों पे तो ऐसे ही रहता है मौसम, कुछ नहीं कह सकते हैं। तो अगर धूप भी लगी है तो अच्छा मौसम है और अगर बारिश भी हो रही है तो भी अच्छा मौसम है। और यहाँ पे हमारे चाचा जी बैठे हुए हैं और पेड़ की छाया ना यहाँ तक आ रही है। तो यहाँ पे है आंगनबाड़ी। हाँ हाँ, तो इस पेड़ की छाया आ रही है यहाँ पे और ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, और बहुत सुकून मिल रहा है। तो चाचा जी यहाँ पे आराम कर रहे हैं, है ना? ये है पहाड़ों के मजे, नहीं है पहाड़ों में। दिल्ली में लोग, दिल्ली मुंबई में लोग गर्मी से तड़प रहे हैं और यहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो चलते हैं फटाफट। और सच में ना पहाड़ों पे ना जैसे धूप तो है, गर्मी भी लग रही है, लेकिन धूप के साथ साथ तेज़ धूप भी है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है पेड़ों की, तो काफ़ी मतलब सुकून मिलता है। और बाहर शहरों में ना कसम से इतनी गर्मी रहती है ना इन दिनों, जून मई जून के महीने में। और मुझे कमेंट भी आते हैं आप सभी के कि हम लोगों को बहुत यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है, यहाँ बारिश नहीं हो रही है। तो और हम भी रह चुके हैं शहरों में ना, तो बस इस चीज़ को ना महसूस करा है हमने कि कितनी गर्मी होती है मई जून के महीने में, तो इसलिए समझ सकते हैं। और यहाँ पर ना धूप की तो होती है लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। और मैं चलूँगी ना इस रास्ते, उस रास्ते भी जा सकते हैं, उधर से भी धारे पे ही पहुँचेंगे हम और इधर से भी। तो लेकिन मेरी सिस्टर जाएगी ना मेरे साथ में, तो इसलिए यहाँ से चलते हैं, ये शॉर्टकट रास्ता है। तो अभी दोस्तों मैं पहुंच गई हूँ रोड साइड में और पीछे पीछे मेरी बहन आ रही है और ना साथ में ना सीनो और ऋषु भी आ रहे हैं। और गुन्नू गई है आजकल अपने ननिहाल देहरादून गई है घूमने, है ना? और ये दोनों तो घर में है, है ना? तो अभी हम चल रहे हैं और धूप ना बहुत तेज हो रही है, तो ये ना माने नहीं, तो इसलिए इनको छतरियां दे रखी हैं दोनों को, है ना? ये ऋषु, ऋषु हेलो करो, हेलो करो। हाँ गुन्नू कहाँ गई है? गुन्नू कहाँ है बेटा? कहाँ है गुन्नू? कहाँ गई है दीदी? दीदी कहाँ गई है? देहरादून गई है, मम्मी के मायके गई है ना, नानी के घर, है ना? अभी होपलेस हो गए। और ये सीनू, ये बहुत शैतान बच्चा है ये। मैंने ये वाली जोड़ ना, मैं बोल आपको ऋषु पे की तो बोलना। तू ये चीज़ नहीं भी? हाँ तो ये यही वाली जोड़ ना। एक बार इन्हें डॉल लिवन मांगे थे। अरे यार मैं कहाँ जानती, मैं ये तो प्यारा। तो अभी दोस्तों टाइम हो रहा है लगभग 1 बजने वाला है और हम ना राशन लेकर के आ गए हैं और धारे से ऊपर चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं और कसम से इतनी आफत आ रही है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, मौसम भी ना चेंज हो गया है, बादल छा गए तो ज़्यादा तेज़ धूप तो नहीं लग रही, लेकिन चढ़ाई चढ़ते हुए ना आफत आ जाती है। और मेरे पीछे आ रही है पायल, ये देखो।
और पायल भी ना हमारे साथ ना राशन लेने चली गई थी। भारी हो रहा पायल? पायल का फोन आ गया। हेलो। तो ये है दोस्तों चढ़ाई, और यहाँ सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते ना आफत आ जाती है। और अभी आप देखेंगे ना मौसम काफ़ी चेंज हो गया है उस तरफ ना, ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे बारिश आने को हो गया पूरा। तो उधर से भयंकर वाली बारिश आने वाली है, और हमारे ना देवर जी भी आ गए हैं, पीछे से लक्की आ रहा है ना। ओहो बाबू जी प्रणाम। और प्रणाम प्रणाम। और देवर जी ना आजकल राफ्टिंग में लगे हुए हैं ऋषिकेश, इनसे राफ्टिंग के बारे में पूछेंगे कैसा कैसा चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है राफ्टिंग इस बार है? आ जाना राफ्टिंग करने, जब मर्जी आओ। और हमारे ताऊ जी भी आ रहे हैं। ताऊ जी हेलो, हाय, नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। और सब आगे आगे चले गए। अरे सर ये है जो राशन मिला हमें, सब चलते हैं आगे। ये राशन भी धुंध हुई। तो अभी दोस्तों फाइनली मैं घर पहुंच गई हूं, और भयंकर वाली हालत ख़राब हो रही है। और अब दिन का लंच करेंगे क्योंकि पतिदेव ने लंच बना ही दिया होगा। और चलते हैं अंदर, क्या कर रहे हैं और लोग। तो पतिदेव तो यहाँ पे सो रहे हैं। और ये है आदि। हेलो हेलो आदि। आदि क्या कर रहा है, क्या कर रहा आदि? और आदि ना यहाँ खेलने में लगा हुआ है फ़ोन से, बेल्ट से, है ना। और उधर बैठी हुई है। और बाहर का मौसम ना अभी वैसे ऐसा लग रहा है बस तुरंत अभी बारिश होती है। ये देखिए उधर से तो भयंकर वाला मौसम हो गया है। तभी दोस्तों हम लोग ना खाना खाने बैठे ही थे, और जैसे ही खाना खाने बैठे ना वैसे ही भयंकर वाली ना बारिश स्टार्ट हो गई। तो इधर कपड़े वगैरह मैंने सुखाने के लिए डाले हुए थे। ये आदमी की गदेली है तो इसे ना फटाफट अंदर रखते। और उधर छपे भी मैंने बहुत सारे कपड़े फैलाए हुए हैं, चादर वगैरह तो सारी ना उठा के रखनी। बारिश शुरू हो गई भाई। तो अभी दोस्तों टाइम हो रहा है लगभग, दिन बज गए हैं दिन के 3:30, और दिन का लंच हम लोगों ने कर लिया था। उसके बाद थोड़ा सा आराम किया, और फिर से ना बारिश स्टार्ट हो गई है। और जब हम लंच कर रहे थे उस टाइम पे भी बारिश हो रही थी, लेकिन फिर क्या हुआ था कि थोड़ी देर बाद ना बारिश बंद हो गई थी और धूप लग गई थी। और ये वाले जो सारे कपड़े आप इधर देख रहे हैं ना मेरे पीछे, ये सारे ना धुले हुए कपड़े हैं, तो ये गीले हैं, तो इनको रखे ना कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो ये गीले ही है। और अब जो है चाय का टाइम हो गया है, तो मैं जा रही हूँ नीचे चाय बनाने के लिए किचन में। तो सबको चाय बना के देती हूँ। और बारिश ना भयंकर ही हो रही है। उस साइड आपको एक बार मौसम दिखाती हूँ, वहाँ देख के तो ऐसा लग रहा है ना कि भयंकर वाली है। तो अभी दोस्तों मैंने चाय भी बना ली है, और ये देखिए मेरे पीछे का मौसम क्या भयंकर वाला मौसम हो रहा है। और अपना पूरे में जो है ना कोरा कोरा छा गया है, तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों अभी ना पूरे में कोरा ही कोरा छा गया है, तो भयंकर वाला मौसम हो गया है। और ऐसे जा रहा है कोरा बिल्कुल उड़ते हुए। और मेरी जो है शाम की चाय भी बन गई है, ये देखिए। तो भी दोस्तों मस्त मौसम के साथ गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं। और ये देखो अक्कू भी ना बाहर घूमने में लगी है। अक्कू क्या कर रही है? तो ये है यहाँ पे अक्कू। हेलो, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। और मेरे पास ना पेंट करने के लिए दो है, ये ब्रश एक छोटा एक बड़ा। अक्कू पेंट करेगी हम। तो ये अक्कू ने ब्रश इसलिए उठाया हुआ है क्योंकि बगल में जो ये वाला घर है ना, तो बहुत सारे कमेंट आते हैं मुझे कि बगल वाला घर किसका है किसका है, आप इसको दिखाते नहीं हो अच्छे से। तो बगल वाला घर ना मैंने पहले ही बताया है, ये चाची जी का है, मेरे हस्बैंड है, उनकी अपनी चाची का घर है। तो ये बिल्कुल रेडी हो गया है, तैयार हो गया है बिल्कुल, और इसमें पेंट वगैरह जो भी था कलर सब हो गया है। तो और ना आज यहाँ पे गृह प्रवेश भी हो गया है, तो अब चाची जी भी आपको देखने को मिलेंगी जल्दी ही। तो अभी आई नहीं है चाची जी, अभी सामान वगैरह रखेंगे तब। तो ये पेंट वो ब्रश ना कौन इसलिए उठाए हुए क्योंकि यहाँ पे ना उन्होंने मांगे थे ब्रश हमसे, तो भारी रखे हुए उनको लेके घूम रही है। और ना आदमी के पापा ना आदमी को भी बाहर लिया है मौसम दिखाने के लिए। अदु ये लड़का ना कसम से सोता नहीं है, है? हाँ यहाँ पे ना पानी भर जाता ना तो यहाँ छप छप करेगी।
मजे हो रहे ना आपको के। और दिन में ना भयंकर वाली गर्मी हो रही थी और अब अच्छा मौसम हो गया है ना। चलो फिर हमारी चाय तो भाई ठंडी हो रही है तो चाय पी लेंगे। यहाँ पे रखी थी मैंने अपनी चाय और को आ जाओ। सारे कपड़े ना मैंने इधर डाल दिए ऐसे करके, क्योंकि ना फिर बारिश तेज आ रही थी फिर ज्यादा भीग जाते। अब कुछ आ जा, पटाई कर दूंगी अभी, अंदर आ जा। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। मैं कैसे सुला दूं, मेरे पास जादू है कैसे सुलाने का? ना ना बच्चा ना, किसने मारा?